आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्राधिकारी चुनाव में मिली जीत पर खुशी जाहिर की और साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्राधिकारी चुनाव में जीत हासिल करने पर खुशी जाहिर की, साथ ही जनता और विजय प्रत्याशियों का अभिनंदन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में जरूर समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में असफल साबित हुई है और आगे भी रहेगी। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, जो भारतीय जनता पार्टी में खत्म हुआ है। अब गुंडे गले में तख्तियां डालकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने श्री अखिलेश यादव जी से पहले ही कहा था कि ना वो सत्ता के लायक हैं और ना विपक्ष के लायक हैं। प्रदेश की जनता का और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में यह सबसे बड़ी विजय प्राप्त किया। विजयी सभी हमारे जो उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित घोषित हो गए हैं उनको सबको हृदय से बधाई दे दी। केशव जी, आज आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने लिखा था कि सपा अब सफा, मैं कोई गलत किया नहीं हूँ। अगर आप इस चुनाव को अगर आप देख रहे हैं विधान परिषद के, तो सपा तो सपा हो गई। मैं चुनाव के समय भी कह रहा था सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है, तो वो तो लगभग हो ही गई थी। जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी बनी, वह जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत करके आ गए, लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रहकर के जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, गुंडे अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।